कभी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय सनातन सभ्यता की पहचान हुआ करते थे। यहीं से हिंदू धर्म का ज्ञान विज्ञान पूरे विश्व में फैला। आक्रमणकारी मजहबों ने इन विश्वविद्यालयों को या तो जला दिया या नष्ट कर डाला। स्वतंत्रता के बाद देश में उच्च शिक्षा के जो केंद्र खोले गए वो सनातन सभ्यता पर कालिख पोतने और आक्रमणकारी मजहबों के महिमा मंडन में जुटे हैं। जहर की जो फसल कभी मैकाले ने बोई थी, नेहरू गांधी ने जिसे खाद पानी दिया, वो अब लहलहा रही है। और इसका पहला नमूना देखिए। It says that you cannot be a Hindu without being a practitioner, without practice. You, every Hindu practices untouchability, that's what he says. So he says that you, if you are a Hindu, you will be practicing untouchability. And that, initially when he said that, I said, I don't think so. But it's true, guys. And go back and look within yourselves. Look at how you are, how you practice untouchability in very quiet, invisible ways, in ways that we even don't understand. It's so internalized, like gender. Every Hindu actually practices. He says Hinduism is because of untouchability. इस महिला का नाम है श्रुति पांडे। दिल्ली के पास सोनीपत में जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। देश के भावी वकीलों और जजों को पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आप छुआछूत नहीं मानते तो आप हिंदू हो ही नहीं सकते। हर हिंदू छुआछूत करता है, ये सच है और ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। हिंदू धर्म और छुआछूत एक दूसरे के पर्याय हैं। So we know that this is definitely something where Hinduism has a special rule because widow remarriage is much more acceptable in Islam. And sorry for those of you who believe that Islam is an inferior religion. अब वो कह रही हैं कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में विधवा विवाह की अनुमति है, लेकिन इस्लाम में ये अधिक स्वीकार्य है। सॉरी, जो लोग ये सोचते हैं कि इसके कारण इस्लाम कोई निम्न श्रेणी का मजहब है। ये दिल्ली के पास सोनीपत में चल रही जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लास है, जिसमें हिंदू धर्म के विरुद्ध तथ्यहीन और मूर्खतापूर्ण बातें बता रही है, जबकि इस्लाम की बुराइयों का बचाव कर रही है। यहाँ पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं और अधिकांश को सामाजिक सच्चाइयों का पता नहीं होता, वो इसे सच भी मान लेंगे। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मालिक नवीन जिंदल हैं, वो बड़े उद्योगपति हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके हैं और पिछले कुछ समय से बीजेपी में घुसने के प्रयास में है। राजनीति चाहे जो भी रहे, विचारधारा में हिंदू घृणा का होना आवश्यक है, वरना कोई भी शिक्षण संस्थान अध्यापकों की भर्ती में इस बात का ध्यान अवश्य रखता है कि वो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी रखता हो, उसे विषय की समझ हो और उसे दिमाग में किसी एक धर्म के विरुद्ध पूर्वाग्रह ना हो। श्रुति पांडे फोर्ड फाउंडेशन की पैदावार है, जिसका एकमात्र मिशन ही भारत जैसे विकासशील देशों में अराजकता फैलाना है। वो तो बस अपना काम कर रही हैं। और अब ये एक दूसरा वीडियो देखिए। That the Hindu right is the corollary of the idea that India is a Hindu majority population, and this is a false majority. The Hindu religion was invented in the early 20th century in order to hide the fact that the lower caste people are the real majority of India. इनका नाम है दिव्या द्विवेदी। आप सोचते होंगे कि IIT में इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, लेकिन ये IIT दिल्ली में दर्शन शास्त्र पढ़ाती हैं। ईसाई मिशनरी चैनल NDTV के कार्यक्रम में बड़ी सहजता के साथ बोल गईं कि हिंदू धर्म का आविष्कार 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। ये भी कहा कि हिंदू धर्म इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को दबाया जा सके। ये नहीं बताया कि ये सारा ज्ञान उन्हें किस आसमानी किताब से मिला है। हिंदुओं के देश में टैक्स पेयर के पैसे पर ये महिला छात्रों को क्या पढ़ाती होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। यदि IIT में ऐसी पढ़ाई हो रही है तो फिर उसमें और मदरसों में अंतर क्या रह जाता है। अब इनसे मिलिए। ये है रोमिला थापर, स्वयं को इतिहासकार बताती है। बच्चों की स्कूली किताब में इतिहास के नाम पर जो अनाप शनाप पढ़ाया जाता रहा है, ये उसकी रचयिता रही है।
पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इन्होंने बताया कि सम्राट अशोक से प्रेरणा लेकर महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन त्याग की इच्छा जताई थी। इन मूर्खों को ना तो देश का पता है, न धर्म का, न इसकी हजारों वर्ष प्राचीन संस्कृति का। सोचिए, वो कौन लोग हैं जो ऐसे अनपढ़ और अधकचरे लोगों को प्रोफेसर बना देते हैं। कांग्रेस और वामपंथियों के गठजोड़ ने बीते 70 वर्ष में देश में एक पूरी पीढ़ी खड़ी कर दी है, जो अपने देश, धर्म और पूर्वजों से घृणा करती है, आक्रमणकारी मजहबों के समर्थन में कुतर्क गढ़ती है। ये ब्रेन वॉश्ड लोग अब अगली पीढ़ी का ब्रेन वॉश करने में जुटे हैं। जिस देश में बीते 1000 वर्ष में लाखों करोड़ों हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म के कारण मार डाला गया हो, जहां आज भी नाम और धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं होती हैं, वहां के स्कूल कॉलेजेस में अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो ये चिंता की बात है। सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सरकार भी आपके भरोसे बैठी है। हिंदुओं से घृणा करने वाले ऐसे संस्थानों और व्यक्तियों का बहिष्कार कीजिए, उन्हें ईमेल कीजिए, फोन कीजिए, ट्वीट करिए और कहिए कि देश में बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध घृणा फैलाना बंद करें, वरना अब उनकी दुकान बंद होने का समय आ चुका है।